भारत के सबसे बड़े अस्पताल का सर्वर हैक। हैकरों ने मांगी 200 करोड़ की फिरौती। भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का सर्वर हैक हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। सर्वर को दोबारा अपने कंट्रोल में करने और डेटा बचाने के लिए एक्सपर्ट्स का पूरा जोर लगा हुआ है। इस बीच हैकर्स 200 करोड़ के रैंसम यानी कि फिरौती की मांग की है। इसकी डिमांड है कि पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में की जाए। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमें एम्स अधिकारियों की ओर से फिरौती की कोई जानकारी नहीं मिली है। इस सर्वर हैकिंग में 3 से 4 करोड़ मरीजों का डेटा चोरी होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने 25 नवंबर को इस मामले में साइबर टेररिज्म का केस दर्ज किया था। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर अस्पताल में कंप्यूटर्स की इंटरनेट सर्विस रोक दी गई है। एम्स के सर्वर में पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, बड़े अफसरों, जजों समेत कई वीआईपीस का डेटा स्टोर है। बता दें कि सर्वर डाउन होने के 24 घंटे बाद एम्स केस दर्ज करवा दिया है। दिल्ली पुलिस समेत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। इसके मद्देनजर एम्स प्रशासन ने सभी विभागों व सभी सेंटरों के प्रमुखों को आदेश दिया है कि वो कंप्यूटर से बैकअप डाटा अलग हार्ड डिस्क में ले लें। इस सप्ताह सभी कंप्यूटर को फॉर्मेट कर लिया जाएगा। अब ये सवाल बना हुआ है कि सर्वर हैक होने के बाद आखिर एम्स का काम कैसे चल रहा है एम्स का काम। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसियों की सलाह पर कंप्यूटर से इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया गया है। सारे काम मैनुअली ही किए जा रहे हैं। इस बीच ई हॉस्पिटल के लिए NIC के ई हॉस्पिटल डेटाबेस और एप्लीकेशन सर्वर को बहाल कर दिया गया है। NIC की टीम एम्स में स्थित दूसरे ई हॉस्पिटल डेटाबेस को स्कैन कर रही है। इसके लिए 4 फिजिकल सर्वर का इंतजाम किया गया है। कंप्यूटर और सर्वर में एंटीवायरस को इंस्टॉल किया जा रहा है। अब तक 5000 में से 1200 कंप्यूटर्स में एंटीवायरस डाला जा चुका है। साथ ही 50 में से 20 सर्वरों को स्कैन किया जा चुका है। आखिर ये रैंसम वेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कैसे घुस जाता है और सिस्टम को कैसे हैक कर लेता है? रैंसम वेयर कैसे फैलता है? रैंसम वेयर असल में स्पैम या फिर फिशिंग के जरिए होता है। इसमें हैकर आपको एक लिंक भेजता है और उस पर क्लिक करने को कहता है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप एक फर्जी वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। यहां आपको कोई ना कोई ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को कहा जाता है जो असल में एक रैंसम वेयर ही होता है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं तो ये आपके सिस्टम, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। ईमेल्स के साथ हैकिंग। इसे साइबर अटैक के लिए ईमेल का भी खूब इस्तेमाल होता है। इसके जरिए ईमेल अटैचमेंट के रूप में एक कमांड प्रोग्राम भेजा जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। इसमें आपका क्लिक एक कमांड का काम करता है, फिर रैंसमवेयर आपके सिस्टम में घुसकर उसे लॉक कर देता है। फिर आप चाहकर भी अपने सिस्टम या डिवाइस के साथ कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हैकर ही कंट्रोल करता है। सर्वर डाउन होने की वजह से ई हॉस्पिटल की सुविधा बाधित हो गई है। इमरजेंसी OPD, IPD और लैब समेत सारी सेवाएं मैनुअली काम कर रही हैं। दिल्ली एम्स ने एक बयान जारी कर बताया है कि सर्वरों की स्कैनिंग का काम 24 घंटे चल रहा है। हालांकि सर्वर पूरी तरह से ठीक होने में 5 दिन का समय और लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।